प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इसमें प्रॉब्लम है डिसिप्लिन की, जो तुम लोगों में है नहीं। ये सब मिस क्या है? हमारे कस्टमर्स बस आते ही होंगे माय फ्रेंड्स। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। डरेन, प्लीज काम डाउन। पर हम लेट हो गए हैं। कस्टमर्स आ गए वो, और कुछ रेडी नहीं है। हेलो, वेलकम। हाउ आर यू मिस डरेन? हेलो, फाइन थैंक्स, एंड यू? हेलो, कैसे हैं? हेलो मिस एम्ब्रे, हमने सुना आपके भाई यहाँ नहीं। हाँ, उसके बदले आज मैं मीटिंग ज्वाइन करूंगा। ये है मिस लेना, हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट से। वेलकम, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। आइए हम मीटिंग रूम में चलते हैं। अब जो एक्टर हमने चूज किया है वो अभी आते ही होंगे, शायद हमें उनके लिए वेट करना चाहिए। ओ हाँ, हमने आपको कास्ट लिस्ट दिखाई थी। हेलो, कैसे हो? कैसे हो? वेलकम ओस्मान। हाय हनी, आई एम सॉरी मैं ऐसे अचानक आ गया तुम्हारे पास। इनसे मिलिए, ये है मैनेजर अली और ये है मेरी फियांसे लैला। हेलो, नाइस टू मीट यू। हेलो, मैं काफी सरप्राइज हूँ, मुझे लगा कोई और एक्टर है। मुझे कुछ पता नहीं था एक्चुअली, या मुझे किसी ने कुछ अपडेट नहीं किया था, तो आई एम सॉरी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारी कंपनी ने लास्ट मोमेंट पर उस्मान के साथ काम करने का डिसीजन लिया। जैसा कि आपको पता है मिस्टर उस्मान के साथ हमने कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और वो सारे सक्सेसफुल रहे हैं, इसीलिए हमने उन्हें उनके मैनेजर के साथ इस मीटिंग में बुलाया है। मैनेजर, मुझे अच्छा लगा, प्लीज। ठीक है, चलो अब काम शुरू करते हैं। ऑफिस बॉय। मॉम मॉम, मेरे मुंह से वो ऑटोमेटिकली निकल गया, मैं बहुत डर गया था इसलिए मेरे मुंह से मॉम निकला। प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए मैम, दरअसल बात यह है कि मैं बहुत ही स्ट्रेस पर्सन हूँ और मैं अपने ही ख्यालों में गुम रहता हूँ। बताइए आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मिस्टर जान कहाँ है? मिस्टर जान तो आउट ऑफ टाउन गए हैं, उन्हें आराम करना है। एम्ब्रे कहाँ है? वो मीटिंग में है। लैला मीटिंग में है। डेरेन वो मीटिंग में है। सनम मीटिंग में है लेकिन आगवा में। जॉन आगवा में नहीं, आगवा में नहीं, मेरे फ्रेंड्स वहाँ गए हैं इसलिए शायद मुझसे सब मिक्स हो गया। आगवा के कौन से होटल में है? आई एम सॉरी लेकिन मुझे तो नहीं पता। तुम्हें पता है, मैं जानती हूँ, सोनम ने तुम्हें जरूर बताया होगा। आई एम सॉरी मिसेस होम, मुझे पता नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता। ओके ओके, अब मैं सिगरेट्स छिपा सकता हूँ, आखिर उनको मैं डिसीव कर पाया। बहुत अच्छे चेचे। या तो इस पेपर पर उस होटल का नाम लिखो या अपना इस्तीफा दे दो, जैसा तुम चाहो। मॉम, मैं अभी नए मकान में शिफ्ट हुआ हूँ, अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या मैं रास्ते पर सोऊंगा? मॉम बताइए मुझे। तुम्हारे पास 5 सेकंड्स हैं। 5, 4, 3, 2, 1। गुड, पर किसी को बताना मत तुमने ये मुझे दिया है, ये सीक्रेट रहेगा तुम्हारी और मेरे बीच। सीक्रेट? सीक्रेट? अरे ये क्या फिर से एक नया सीक्रेट? मुझे सीक्रेट्स मत बताओ, एक और सीक्रेट। हेलो पोलिन, मुझे होटल का नाम पता चल गया है, पर तुम इस वक्त मत जाना। ओके, तुम सुबह जा सकती हो, वहाँ पर खूब मजे करना। ओके, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ। ओके, बाय बाय। बाय। तुमने ये क्या कर दिया जीजे? क्या क्या? अब तुम क्या करोगे? पर मैं और क्या कर सकता था, उन्होंने मुझे डरा दिया। सनम तुम मुझे सिगरेट क्यों बताती हो? मैं आखिर तुम्हें कितनी बार कहूँ मुझे सिगरेट्स मत बताया करो, पर तुम मेरी बात सुनती ही नहीं। तुम्हें मुझे होटल का नाम नहीं बताना चाहिए था, नहीं बताती तो मैं उस पेपर पे कैसे लिखता? अब ये सनम को बताना होगा, नहीं इससे तुम इसे सुमा मुझे नौकरी से निकाल देंगी, फिर मुझे सड़क पर रहना पड़ेगा, फिर तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं तो ठंड में मर जाऊंगा। अब मैं क्या कहूँ? सनम तुमने मुझे अपना सिगरेट क्यों बताया? क्या हुआ है तुम्हें? क्या? मैं तैयार हूँ, चलो मेरे साथ चलो। कहाँ? आगवा में। आगवा कौन है वो? आगवा, क्या तुम शहर की आवाज से परेशान हो गई हो? क्या तुम्हें खुली हवा में सांस लेनी है? गुलीज, आगवा एक बहुत ही यूनिक जगह है जहाँ फैंटास्टिक बंगलोस हैं। आगवा का मतलब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। जे, तुम भूल गए हमें सनीम की मॉम के ऑर्गेनिक फूड स्टोर का काम करना है, चलो। हाँ सॉरी, भूल गया था। कम ऑन, चलो। ठीक है, मैं जरा अपनी चीजें ले लेता हूँ। okay, मैं पिताजी को उठाता हूँ और आता हूँ। उसे भी साथ ले लो। ठीक है, मैं तुम्हारा गेट पर इंतजार करती हूँ। जाओ विजय जी, तुम चुप क्यों? मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। कमॉन, चलो आ जाना है, चलो आ जाओ, आ
जाओ मेरे पास। Well, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट बस टाइम पर हो जाए। हाँ बिल्कुल, डाउट मत कीजिए, वी विल डू आवर बेस्ट। सुपर, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, आज के लिए इतना काफी है, चलो चलते हैं। आप मिस्टर ओस्मान और उनके मैनेजर के साथ डिस्कस कर लीजिए। गुड बाय मिस्टर एमरे। थैंक यू सो मच। बेस्ट रिगार्ड्स फॉर योर ब्रदर। थैंक यू वंस अगेन, सी यू सून। ये रहा पेमेंट जो मिस्टर ओस्मान के लिए शेड्यूल्ड है, और ऑफ कोर्स ये हमारी मेन शूटिंग रहेगी। इफ ही बिकम्स द फेस ऑफ द कैंपेन, प्राइस काफी राइज हो जाएगी लॉन्चेस टीवी प्रोग्राम्स के जिसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। वेरी गुड, आपने वाकई में सब कुछ अच्छे से अरेंज किया है, ये शायद इतना काफी नहीं। हमने इससे पहले भी मिस्टर ओस्मान के साथ काम किया है। ओस्मान, मुझे लगता है कि तुम्हारी फर्स्ट शूटिंग यहीं पर हुई थी, क्यों मैं सही हूँ ना, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा। पर ओस्मान उस समय एक ऑर्डिनरी पर्सन थे, ये जान लो, अब वो एक फेमस एक्टर बन गया है, जानी मानी हस्ती बन गया है। पर हम उनके साथ काम करना पसंद करेंगे जो अभी तक इतने फेमस ना हुए हो। ये स्टार सिस्टम हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। वेरी गुड, वैसे मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। हाँ तो हम कहाँ? नहीं नहीं, बात को हम नेगेटिव वे में नहीं लेंगे, हम अच्छे टर्म्स पर रहना चाहेंगे एमरी, कस्टमर्स को उस्मान चाहिए प्लीज। और मुझे लगता है हम इसीलिए यहाँ पर है, आई बिलीव। हाँ ठीक है, तो ये चार कमर्शियल वीडियोस में रहेंगे। दो, लेट्स से थ्री। फिक्र मत कीजिए, कंटिन्यूसली सब कुछ हो जाएगा, उसमें कोई भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, और आप अपनी टीवी सीरीज का भी काम जारी रख सकते हैं। अग्री। इसमें आपके ऑर्डर की सारी चीजें, और हम आपको बैग भी दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। इन सब का कितना हुआ? अगर आप दो लेती हैं तो एक फ्री मिलेगा, और अगर आप दो लेती हैं तो 50% डिस्काउंट मिलेगा, तो आप मुझे 20 लीरास दे दीजिए, इतना काफी है। हाँ हाँ, आप 20 लीरा दीजिए। ठीक है, हमें एक्स्ट्रा सेल करके एक्स्ट्रा पैसे कमाने चाहिए, जो भी नुकसान हुआ है सब कवर हो जाएगा इससे। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर से आइएगा, ये ऑर्गेनिक चीजें बहुत अच्छी होती है, दोबारा लेने जरूर आइएगा, बहुत अच्छी है ये, हमारे यहाँ सारी चीजें बहुत फ्रेश है। हाँ ये आपकी दुकान है, आपका जब मन करे आप यहाँ पर आ सकती है। सुनो मुजफ्फर, मेरी बात सुनो, ये ऐसे काम नहीं करता, इस तरह से तुम्हारा बिजनेस बिल्कुल नहीं चलेगा, यकीन है वो डूब जाएगा। कुछ भी फालतू की बात। हाँ, दो दिनों में डूब जाएगा। हाँ। सिर्फ दो दिन में, दो दिनों बाद। मुझे वैसे फर्क नहीं पड़ता, पर सब लोग कहेंगे आयसुन के बेटे। हाँ? ने बिजनेस क्यों बा दिया। मेरी प्यारी मॉम मिसेस आयसुन, जैसे कि आपका बहुत बड़ा नाम है, और तुम मिस्टर एहसान, लोग तुम्हें हाइना बुलाते हैं, लेकिन तुम बहुत बेवकूफ हो। अपनी आँखें खोलो, दुनिया बदल चुकी है। अब इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दो ब्राइट सेक्टर्स हैं। सबसे पहला सेक्टर है ऑटोमोबाइल, और दूसरा है ऑर्गेनिक सेक्टर। अगर हम ऑर्गेनिक चीजों के लिए कामयाब हो गए ना, तो हम ऑटोमोबाइल की भी दुकान खोल लेंगे। सही कहा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाएंगे, लेकिन हम ऐसे हार नहीं मानने वाले हैं, समझ गए आप लोग? कर लो कर लो, चलो जाओ। अरे अच्छा, लाओ, इनका तो दिमाग ही खराब। बिल्कुल सही टाइम पर आयो मिस्टर निहात, आप अपनी वाइफ को कुछ कहते क्यों नहीं, उसने मेरे आधे दिमाग वाले बेटे को ले लिया है, बस दो दिनों में तुम लोग डूब जाओगे। मैं अभी कह रही हूँ कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, देख लेना। मुझे नहीं पता कि कौन क्या है मिसेस आयसुन, और कौन आधे दिमाग वाला है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा मिसेस मेफकी भाई, ये काफी अच्छा है। जे जे आओ, कैसे हो? वेलकम गुली। ये सब पहलो वेलकम दिख रहा है, सच में बहुत अच्छा लगा मिलकर। अरे ये तो सलीम के दोस्त है ना, उसके ऑफिस से। तुम बहुत ही स्वीट हो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो देखते ही समझ गया था कि तुम बहुत तुम्हारे बेटे को ये लड़की। अच्छा वैसे हमारी दुकान में वेलकम, मुझे हमारे पास सब कुछ, यही तुम्हारी नहीं, क्या लेना पसंद करेंगे? हनी ऑलिव ऑयल सोप, तुम्हारी चमकती स्किन और चमकने लगेगी, सच कह रहा हूँ मैं, एकदम मुलायम हो जाएगी, छुओगी तो लगेगा कि स्किन नहीं कापस है। मुजफ्फर तुम मुझे अपनी शॉप की कुछ जानकारी दो, तुम मुझे हर एक डिटेल दो, ठीक है? क्या तुमने इस शॉप की फोटोज ली हैं? हाँ हाँ, मेरे फोन में सब कुछ है। उम्मीद है उन फोटोज का, मुझे नहीं पता, मैंने फोटो क्लिक की, तुम चेक कर लो। ओके ओके, मेरे साथ शेयर करो उन्हें, ठीक है? जी जी वेलकम। यार मेरी मॉम फिर से आ गई, कितनी बार भागा उन्हें। वेलकम, मैं हूँ आयसुन। हेलो, मेरा नाम गुलीज है।
ये आइडिया, ये शॉप, सब कुछ मेरे बेटे की है। सही है। आप उसकी माँ हैं। हाँ हाँ, ये जो पूरा आइडिया है ये मेरे बेटे का है। हम यहीं रहते हैं जीजे, हमें जानता है। हमारे यहाँ काफी एस्टेट्स हैं। हाँ, मैं अपने लिए एक घर ढूंढ रहा था, पर अब मुझे मिल गया है। हाँ, अरे मेरी यहाँ पर एक शॉप है, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम वहाँ आओ। हमारे यहाँ काफी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। आप क्या बेचती हैं? अंडरगार्मेंट्स, रेड, ग्रीन, कलर्स बहुत ही अच्छे होते हैं। मुजफ्फर, लेट मत होना, जल्दी आ जाना चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं तुम लोगों के पीछे आता हूँ, रिपोर्ट लेके आता हूँ, बड़ी वाली रिपोर्ट। ऑर्गेनिक बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है। अरे झूठ बोल रहे हो तुम, जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, काम करो, कुछ नहीं होगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेलकम मिस्टर जॉन। वेलकम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हमारे शेफ ने आपके लिए एक अच्छा मेन्यू बनाया है, आइए ना। आपका टेबल इस साइड पर है प्लीज। वैसे शायद मेन्यू हमें ही चूज करना चाहिए, और अलग अलग टेबल पर बैठकर अपना अपना खाना सेपरेटली खाएंगे। मैं थोड़ा स्नैक्स भी खाना पसंद करूंगा, मुझे कुछ और खाना है, उन्हें कुछ और खाना है, तो सेपरेटली अच्छा होगा, है ना? हाँ, जो टेबल अवेलेबल है मैं वहाँ चली जाती हूँ। मिस्टर जान और मिस्टर ने, मैं आपको सेमिनरी के स्टार्ट से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हमारा सेमिनार आपको अपना वे ढूंढने में मदद कर रहा है। मुझे आप दोनों में एक इलेक्ट्रिक करंट फील हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट? हाँ, इलेक्ट्रिक करंट। लाइटनिंग मिस सनम, लाइटनिंग। आप दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी है, और आप दोनों की जो भी विशेष है, डिजायर्स हैं, वो समय रहते पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपके साइड में है। हाँ वाकई में, पूरा यूनिवर्स। हाँ सही है। आप दोनों को साथ लाया, कितना अच्छा कोइंसिडेंस। यूनिवर्स ऐसी चीज कराता है। हाँ कोइंसिडेंस। एक्चुअली आज का डिनर आपके जर्नी के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये एक सरप्राइज की तरह है। आप इतना गॉर्जियस ऑफर क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? हम कहाँ जाएं? प्लीज ये कितना अच्छा है ना? सच में अच्छा है। म्यूजिक, एटमॉस्फेयर, सच में एक अच्छी शाम रहेगी, मजा आएगा। आपको पता है जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा प्रिंसेस के सपने देखा करती थी, मतलब मैं एक प्रिंसेस हूँ और हॉल में एंटर करती हूँ, वहाँ एक हैंडसम प्रिंस भी होता है जो मुझे डांस के लिए इनवाइट करता है अपना हाथ आगे करके, और फिर हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर डांस करते हैं, एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं, और फिर मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगती है, फिर वो मुझे डांसिंग हॉल में ले जाता है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो गई, स्पेशली अब जब मुझे समझ आता है कि प्रिंसेस जैसी कोई चीज नहीं होती, तो मेरा सपना भी टूट गया। सपने कभी खत्म नहीं होते, वो टूट जाते हैं। शायद, पर मैं मन ही मन में आज भी सीक्रेटली ड्रीम करती हूँ। खाना खा रहे क्या? हाँ ऑलिव ऑयल अच्छा है, लोगो ना थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और साथ में मिसेस मेफकीबी की फोटो, उनकी एक फोटो इन ऑर्गेनिक गुड के नीचे लगा सकते हैं। क्या कहते हो, तुम ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? ओके ओके, मैं ये करता हूँ, पर बाद में। पर हमें एक स्लोगन ढूंढना होगा जो स्ट्राइकिंग हो, एक बहुत ही अच्छा स्लोगन। मॉम्स प्रोडक्ट। क्या कहा? मॉम्स प्रोडक्ट। जैसे कि इसमें एक माँ का टच हो, जिसमें माँ की ममता हो, फ्रॉम द फील्ड ऑफ योर चाइल्ड। क्या बात है, क्या क्रिएटिविटी है, ब्रावो, तुम्हारी बातों पर तो मैं फिदा हो गया हूँ, बहुत सही। भाई जे जे,
लिखो लिखो जो नहीं, 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 नहीं पुलिस ये नहीं चल सकता, ये बहुत ही बड़ा स्लोगन है, ये लोगों के दिमाग में नहीं बैठेगा। शॉर्ट और एफिशिएंट एकदम प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर तुम समझ रही हो ना, छोटा सा एफिशिएंट होना चाहिए। हाँ, जितना शॉर्ट और अच्छा रहे उतना बेटर है। बाय इट मॉम। आयहान, लोगों को ऑर्डर देना अच्छी बात नहीं है। हाँ, हम ऐसे ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, वो हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे सर्वेंट नहीं है। नहीं नहीं, ये ऑर्डर नहीं है, ठीक है, प्लीज बाय इट मॉम, ये काफी अच्छा रहेगा, प्लीज बाय इट मॉम। ठीक है, इतना बुरा नहीं है पर उतना अच्छा भी नहीं है, नहीं ये काफी नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, ये एफिशिएंट चाहिए, समझ रही हो ना। पर मैं तो काफी क्रिएटिव थी जीजे। बाय द वे मुजफ्फर, मुजाका बहुत अच्छा था, गॉड ब्लेस योर हैंड्स। ओह दैट्स माय प्लेजर गुलीस, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया। इसमें कुछ नहीं, हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थे जैसे हमारा ऑलिव ऑयल और साथ ही साथ कुछ एग प्लांट्स, सबको हमने एक साथ मिलाया और बन गया लाजवाब मुसक्का। क्या कहा तुमने? उसे मेरा खाना अच्छा लगा तो मैं थैंक यू बोल रहा था उसे। नहीं नहीं, उसके बाद मॉम प्रेजेंट्स प्राउडली। यस, हमें स्लोगन मिल गया, कांग्रेचुलेशंस मुजफ्फर। क्या कहा, सच में? हाँ। क्या सच में यही स्लोगन रहेगा? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अब मुझे इस पर काम करना होगा, मुझे किचन में कॉफी पीनी है, मुझे वो करने दो। अब देख क्या रहे हो, हटो ना। हाँ हाँ, देखो पर लोगो बड़ा होना चाहिए और लोगों को पसंद भी आना चाहिए, काफी क्रिएटिव होना चाहिए, लोगो बहुत ही जरूरी होता है, तुम्हें पता है। माय डियर आयहान, जरा मेरे साथ आओगी? मैं आ रही हूँ डियर। मुजू तुमने तो कमाल कर दिया। ज्यादा खुश मत हो, ये मेरी फर्स्ट सक्सेस नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारे आइडियाज है, मेरा दिमाग बहुत ही तेज है, तुम देखना मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊंगा, बस लोगो अच्छा होना चाहिए। लोगो कंग्रेचुलेशन, काफी अच्छा स्लोगन है, तुम्हें कैसे मिला? ओह नो, अगर तुम क्रिएटिव हो तो वो अपने आप ही आ जाता है, यू नो संगत का असर कहते हैं ना, और रीडिंग करने से ज्यादा मदद मिलती है। मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ, मुझे पता है कुछ भी मिल जाए, अखबार नॉवेल जो मिल जाए मैं पढ़ लेता हूँ, उससे मेरी नॉलेज बहुत बढ़ गई है। खैर, अपने मुझसे अपनी तारीफ अब मैं क्या करूँ। मुझे भी पढ़ना पसंद है, जैसे कि प्यार की नॉवेल्स बहुत। मैं ज्यादा स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ता हूँ, कौन सा प्लेयर कहाँ का है, कहाँ पैदा हुआ, उसने क्या क्या अचीव किया, वो सब याद रखता हूँ। मुझे टीवी सीरीज भी देखना बहुत पसंद है, मुझे भी एक्टर होने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, अगर प्रॉपर चांस मिल जाए ना तो मेरे सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा, मैं बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर हूँ। रियली? हाँ। तो तुमने कौन सी सीरीज में हिस्सा लिया था? हाँ, मैंने एक्टिंग की है, मतलब छोटा सा रोल था, साइड एक्टर का रोल था, पर जो डायरेक्टर थे ना वो आज भी मुझे याद करते हैं। वो भले ही छोटा सा रोल था लेकिन इतना इम्पोर्टेंट था कि सारी रेटिंग मेरी वजह से आई थी, ऐसा मैं नहीं कहता, डायरेक्टर कहते हैं मेरे बारे में। पर ये एक्टिंग के साथ साथ ऑर्गेनिक का काम करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तुम ये सब कुछ डिफिकल्ट चीजें साथ में मैनेज कैसे करते हो? वो तो मुझे भी नहीं पता कैसे हो जाता है, बस ऊपर वाला मुझे ताकत दे देता है, मुझ में टैलेंट है, स्ट्रेंथ है, सब कुछ है। अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। मैं तो कहता हूँ इंसान को अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए, अलग अलग चीजें हर एक टाइम पर ट्राई करते रहना चाहिए, इससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है और हमारे काम आता है बाद में। सच में तुम तो काफी कुछ कर लेते हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो तुम्हारे देखने का नजरिया अच्छा है और ऊपर वाले की मेहरबानी है, मैंने तो बस यही सीखा है कि मेहनत किए जा और फल की चिंता मत कर बच्चे। प्लीज जरा यहाँ आ सकती हो? प्लीज, आ रही हूँ बस। ठीक है, मैं चल रही हूँ। हाँ ठीक है, आराम से हो, लेकिन लोगो बड़ा होना चाहिए, बस ये बात याद रखना, लोगो पे ध्यान रख, लोगो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बहुत टाइम बाद मुझे कोई लड़की इतनी पसंद आई है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, कंट्रोल मुजफ्फर, मेन फोकस बिजनेस पर रखो, ये सब के लिए अभी टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, कभी नहीं। ठीक है, ये सब चीजों के लिए बहुत टाइम है। खाना बहुत अच्छा है, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना अच्छा होगा, लेकिन काफी अच्छा है। हाँ वाकई अच्छा है, मुझे भी यही लग रहा है, मुझे लगा इन लोग खाने को मिनी पोर्शन में देंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, देखो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ कुछ ज्यादा ही मिनी पोर्शन, वही तो आयरनी है, पर हाँ। अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है। हाँ वैसे मेन्यू, आप इसे प्रोनाउंस कैसे करते हो? एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन तो मेन्यू होता है ना, पर ये कुछ रूड नहीं लगता, नॉट जेंटल, ऐसे ही प्रोनाउंस होता है। आज का मेन्यू क्या है ऐसे? आई अग्री। गुड, आपके बीच आई कॉन्टेक्ट है और बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, पर एक और चीज मिसिंग है। मुझे पानी चाहिए था पर वो अब तक नहीं आया। ब्लैक पेपर भी? नो नो, डांसिंग, डांस आओ ना, चलो डांस करो। ओह ये तो काफी अच्छा रहेगा जान, है ना? नहीं कोई जरूरत नहीं है, ये अच्छा रहेगा पर रहने देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सवाल अच्छा डांस करने का नहीं है, इनफैक्ट डांसिंग तो अच्छा फील करने के लिए है। ये एक अच्छे स्लोगन जैसा। यहाँ का म्यूजिक मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, जिसकी वजह से आपको यहाँ अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, क्या पता कि आपके बीच में कोई प्यार की कली खिल जाए या कुछ और, या कुछ और। आपने बहुत अच्छी बात कही,
पर अगर मिस सेनम रिजेक्ट करती हैं डांस करने के लिए तो हम थोड़ा उन्हें पुश करेंगे, पर अगर मिस्टर जॉन को मिस सेनम के साथ डांस नहीं करना है तो हम उनके लिए नया पार्टनर ढूंढते हैं। जॉन, तुम्हारे पास कोई बुक है? मुझे रात को पढ़नी है। थैंक यू। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी ऐसे इंसान के साथ पंगा लो जिसे हम नहीं जानते। हर कोई आप जैसा जेंटलमैन नहीं होता। आप इस शाम को एंजॉय कीजिए और अपने आप को म्यूजिक के साथ छोड़ दीजिए। जॉन, सनम, मैं थका हुआ हूँ। वैसे पहले से ही थका हुआ था। मैं यहाँ आराम करने आया था। मैं अब और नहीं झेल सकता। मैं सोने जा रहा हूँ, है ना? मैंने ये नहीं सोचा था। गुड नाइट। ओके, ये मैंने अरेंज कर दिया है, ये बैकग्राउंड सब कुछ। हाँ, ये रहा फाइनल लुक। मुजफ्फर अब कल जाएगा और इसकी कलर प्रिंटआउट्स लेकर आएगा, फिर तुम जहाँ चाहो वहाँ इसका इस्तेमाल कर सकती हो, ठीक है? ये हो गया, उसके बाद ये। काफी लेट हो गया, मैं स्कूल इसको टैक्सी से भेज दिया। मैंने उस टैक्सी के नंबर प्लेट को भी नोट कर लिया है। मेरी बात उस ड्राइवर से भी हो गई, उसने कहा है कि वो दरवाजे तक छोड़कर आएगा, कोई खतरे की बात नहीं है। उसने कहा मेरा दिमाग मत खाओ। चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक गया हूँ, जाकर सो रहा हूँ। तुम लोग भी जाकर सो जाओ। गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट क्या कह रही हो? तुम भी यहीं रुकोगी क्या? चलो मेरे साथ जाओ, अपने घर पर जाके सो। ये क्या बात हुई, तुम एक कुंवारे लड़के के साथ सोगी क्या? घर पर जाओ, तुम्हारा भाई तुम्हारी राह देख रहा होगा। तुम जाओ ना, जाकर सो, मैं चली जाऊंगी। हाँ जरूर, जा रहा हूँ। तुम्हें जो करना है करो, मुझे क्या? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा था। अरे वो कहाँ जा रहा है? मेरे बेड की तरफ तो नहीं जा रहा। जी जी, शेम ऑन यू, वो तुम्हारा मेहमान है, वो कुछ ही दिनों के तुम्हें लिए। इतना आसान लगता है? मैं चीजों को इजी लेती हूँ। मुझे लगता है कि वो तुम हो। अगर मुझे कल की बात याद आ गई ना तो देख लेना। देखो आयहान, मैं तुम पर प्रेशर नहीं डालना चाहता, क्योंकि तुम्हें वैसा अच्छा लगता हो। देखो, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा, तुम्हारी मर्जी से अपने हाथों से खा सकती हो। तुम अब भी फिश पे अटके हो। मैं हम दोनों के बारे में बात कर रही हूँ, हमारा रिलेशनशिप, हमारे बीच में क्या चल रहा है, जैसे कि मैरिज इशू। तुम्हारा फेस अचानक बदल गया, तुम कांपने लगे, क्या हुआ? क्या हुआ था? हम साथ में, इसका क्या मतलब है? ये आखिर कहाँ तक जाएगा? क्या ये USB काम करता है? मैं कल सुबह अपने साथ इसको लेकर जाऊंगा, फिर सब कुछ काम करने के लिए रेडी चाहिए। हाँ ओके, ये काम कर गया। ओके, अब मैं इसे कल मुजफ्फर को दे देता हूँ, उसे भी ये काम में आएगा। टिपिकल मेल एटीट्यूड। मैं खुद एक लाइफ कोच हूँ और मैं सब जानती हूँ। तुम बस बात को घुमाना चाहते हो। वो वैसे सॉल्व होगा अगर हम उस बारे में बात ही नहीं करेंगे तो। हाँ मैं जानती हूँ, तुम्हें जाकर सोना है। अरे हाँ, मुझे सोना है। हमने आज बहुत काम किया, पर हमने काफी अच्छा काम किया। तुम दरवाजा बंद करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे पड़ोसी पर भरोसा है, ठीक है? गुड नाइट आयहान। मैं अच्छी हूँ इसीलिए चुप हूँ, मैं चुप रहती हूँ। हाँ ठीक है, गुड नाइट। ठीक है, अब जाओ यहाँ से।
दो तीन दिनों के लिए। एक दूसरे से बात नहीं करेंगे जब तक चीजें पूरी तरह ठीक ना हो जाए। ओके, या शायद 4-5 दिनों बाद, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस्ड है। ये काम नहीं कर रहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं और नहीं झेल सकती। कितनी ठंड है यहाँ, मेरे हाथ पांव बर्फ बन गए हैं। हाँ मिस सनम, आपके रूम का हीटर काम नहीं कर रहा है, हमारा रिपेयरमैन कल सुबह उसे ठीक कर। हाँ तो इस पर कोई सलूशन निकाल देते हैं ना, मुझे कोई और रूम दे दीजिए एक प्रॉपर हीटर के साथ। नहीं तकलीफ के लिए मैं रूम सर्विस को कॉल किया जा रहा हूँ पर कोई मुझे आंसर ही नहीं कर रहा है। मुझे एक ग्लास पानी चाहिए प्लीज, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे लगता है कि आप अभी ला देंगे तो अच्छा होगा। अनफॉर्चूनेटली सारे रूम्स ऑक्यूपाइड है, अब सीजन चल रहा है ना इसलिए। हाँ तो फिर मैं ऐसे ही मर जाऊंगी ठंड से, अंदर काफी ठंड है, और कल हीटर ठीक करने आएंगे तब मेरी लाश नजर आएगी आपको। सॉरी पर मुझे आपकी कॉन्वर्सेशन सुनाई थी, मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। मिस अगर तुम चाहो तो तुम मेरे रूम में रह सकती हो और मैं यू नो इनके रूम में रह लूंगा अगर पॉसिबल है तो। मेरी रूम बहुत ठंडी है, मैं एग्जैजरेट नहीं कर पा रही पर वो बर्फ जैसी ठंडी है, और आप तो वो विंडो भी ठीक से नहीं बंद कर पाए। इतना सीरियस है क्या? हाँ वेरी सीरियस। फिर एक काम करते हैं, मेरे रूम में दो बेड है, एक बेड है और एक बच्चों के लिए काउच है। एक मिनट, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि बच्चों का काउच? क्योंकि तुम्हारी स्लिपर्स देखो ना एक बार, और आधी रात को टेम्परेचर -5 हो जाता है। बहुत बुरा, अब हम क्या करें? तुमने डिसाइड किया? मेरा पानी आ गया। हाँ क्या सोचा? हाँ लेट्स गो। चल मैं इसे यहाँ रखती हूँ। क्या ये बेड है? मैं तो यहाँ बिल्कुल फिट नहीं हो पा रही, तुम तो बैठ तक नहीं सकते यहाँ। सोना तो दूर की बात है, ये सिर्फ बच्चों के लिए है। जरा देखो तो उस जेंटलमैन को जिसने मुझे ये बच्चों का बेड दिया है और खुद डबल बेड पर सो रहा है। रूड, नर्ड। सनम तुम्हें समझ आ रहा ना कि मैं सब कुछ सुन सकता हूँ? वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पर तुम काफी रूडली बात कर रही हो, समझ रही हो? तुम काफी रूड हो तो थोड़ा आराम से। अच्छा आपको सब सुनाई देता है तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको ये ओपनली बता रही हूँ। ठीक है फिर मैं ये बुक जोर से पढ़ता हूँ, क्या कहती हो? हाँ उसने आखिर कसम खाई है कि वो मेरे राज किसी को नहीं बताएगी और बिजनेस की सारी डिटेल्स उसने सुन ली। ऐसे तो हम जोर जोर से बात करते हैं एक दूसरे से बिना केयर करे, और उसके अलावा मैं उस बेड में फिट कैसे होऊंगा जिसमें तुम फिट नहीं हो पा रही हो? मैं तुम्हारी डबल साइज का हूँ और हम एक साथ इस बेड पर भी नहीं सो सकते, राइट? कैसे, अभी तक हम यूनाइट भी नहीं हुए हैं और आप ये कैसे कह सकते हैं जान, सेम बेड। सनम तुम्हें ग्रेटफुल रहना चाहिए, तुम समझ रही हो? तुम्हें वो रूम आखिरी मोमेंट पर मिला है, तुम्हें थैंकफुल रहना चाहिए। सॉरी जान आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं यहाँ सिर्फ सेमिनार के लिए आई हूँ, समझे आप? सेमिनार अटेंड करना मेरी लाइफस्टाइल है, जाओ जाकर होटल्स की लिस्ट चेक करो, होटल को कॉल करो ना आपको पता चल जाएगा, मैं इस होटल की लॉयल सेमिनार मेंबर हूँ, जाओ और चेक करो। रुक क्यों गए जाओ ना, हाँ बिना मेरे यहाँ कोई भी सेमिनार नहीं होता, समझे आप? और यही मेरी लाइफस्टाइल है। बात करते हैं, ओह गॉड मुझे यहाँ नहीं रुकना, मैं जा रही हूँ। सुना आपने? क्या आपने कुछ सुना? मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं इस घटिया रूम में एक मिनट भी नहीं रुकूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ, समझे आप? मैं जा रही हूँ, मैं रूम छोड़ के जा रही हूँ, मैं नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ। सुन रहे हैं आप? मैं जा रही हूँ, सुन रहे हैं ना आप? मैं रूम छोड़कर जा रही हूँ। ओह मैं जा रही हूँ। मैं देखता हूँ, तुम भी देखो ना बाहर कितनी ज्यादा ठंड है, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ पर दरवाजा खुला मत रखना, बाहर बहुत ठंड है, पता नहीं कितना टेम्परेचर होगा -5 -10, मुझे नहीं पता, दरवाजा बंद करो। Mm-hmm.
सनम ब्लैंकेट मुझे दो, खींचना बंद करो समझी ना। आपके पास ही था, आप सो गए थे। जान मुझे दीजिए ना। जान जान, अगर मेरे ऊपर ब्लैंकेट नहीं रहा तो मुझे रात को नाइट मेयर आते हैं। उसे खींचो मत, मुझे चाहिए। मुझे तो आप कितने रूड हैं, बहुत रूड हैं। गुड नाइट सनम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? मैं चेक करता हूँ। हाय जान। हाय पोलन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था तुम दोनों साथ में हो। मुझे डिस्टर्ब नहीं करना था ना। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मुझे तुम्हारी मॉम ने बताया जान, पर मुझे गलत मत समझना, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था और मुझे कुछ फ्रेश एयर भी चाहिए थी। हाँ, मेरी मॉम, मेरी प्यारी मॉम, उन्हें सब पता होता मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। ओ मेरी तरफ मत देखो, मैं यहाँ सेमिनार के लिए आई थी। सेमिनार्स अटेंड करना मेरी लाइफस्टाइल है। ओह, मैं अपने भाई जेजे का कैसे शुक्रिया अदा करूँ। सच में तुम्हारी वजह से हम ये कमर्शियल की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए हैं। सच में मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं मुजफ्फर, अब मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, मत जाओ, रुक जाओ, हम साथ में ब्रेकफास्ट करते ना। यहाँ एक पेस्ट्री शॉप है, वहाँ पर सब कुछ बहुत ही टेस्टी मिलता है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तुम बस चलो मेरे साथ। सोच कर ही मुँह में पानी आ रहा है, बता नहीं सकता मैं। आह मजा आ गया, तुम्हें भी ऐसी मजा चाहिए तो चलो मेरे साथ। नहीं मुजफ्फर, उससे अच्छा मैं क्रोसॉन ले लूंगा और ऑफिस में जाकर कॉफी के साथ खाऊंगा, ठीक है? अरे क्या भाई, इतने से क्या होने वाला है, तुम मेरे साथ चलो ना, साथ में खाएंगे बैठ के। बहुत ही अच्छी शॉप है। या तो एक काम करते हैं, यहाँ पास में एक और एक होटल है, वहाँ पर बैठ के सूप पीते हैं। सूप में लोग बहुत सारा लहसुन डालते हैं और साथ में नींबू का रस भी। ऐसा सूप पियोगे तो बॉडी में ताजगी आ जाएगी, तुम्हारा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। अगर मैं लहसुन खाकर ऑफिस में गया तो वो मुझे वहीं के वहीं फायर कर देंगे। मुजफ्फर अब मैं चलता हूँ। आयहान, गुड मॉर्निंग। क्या तुमने नाश्ता किया? मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ बहुत अच्छे क्रोसॉन मिलते हैं, तुम्हें पसंद आएगी। नो थैंक्स, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, अब मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। सी यू मुजफ्फर। चलो ठीक है आयहान, बाद में मिलते हैं। ये तो बिल्कुल आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली गई। पता नहीं किस बात से ये इतना नाराज है। तुमने खाने का ऑफर दिया फिर भी ये मानी नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये एक बुचर की बेटी है, तुम्हें मीट बॉल्स, कबाब या स्टेक का ऑफर देना चाहिए था, तुमने क्रोसॉन कहा। ऐसा थोड़ी होता है भाई, इसलिए वो चली गई। नाश्ता तो इतना टेस्टी था, मतलब मेरे यहाँ आने का डिसीजन बिल्कुल सही था। हाँ, और वजन बढ़ जाएगा इस वजह से तुमने कुछ नहीं खाया। सनीम, तुमने कुछ कहा? मैंने सुना नहीं। अरे नहीं कुछ नहीं। हमारी कॉफी हम यहाँ बैठ कर पिए। आपकी कॉफी मैम। थैंक यू सो मच। मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम इतने शांत क्यों हो जान। दरअसल तुम यहाँ अकेले रहने आए थे ताकि तुम सही डिसीजन ले सको, है ना? यही बात है ना? और मैं आज सुबह तक का इंतजार करना चाह रही थी, इसलिए मैं कल नहीं आई। पर देखो, लगता है तुम्हें किसी ने सोचने का मौका ही नहीं दिया, है ना? वो मुझे टॉन्ट मार रही है। गुड मॉर्निंग मिस्टर जान, मिस सनम, हेलो। आज हम गार्डन में रहेंगे, हम आपका इंतजार करेंगे। हाँ,
हम जरूर आएंगे, बल्कि हम तो अभी आ रहे हैं। चलिए, शायद हम आज नहीं आ पाएंगे, हमारे यहाँ मेहमान, इसलिए वो भी आ सकती है। आज का काफी टफ डे है, कुछ एक्सरसाइजिंग करनी है, आपकी गेस्ट भी आ सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं वो नहीं, वो ऐसी बात है, सुपर्ब, मैं जरूर आऊंगी और मुझे लगता है हम साथ में जरूर एंजॉय करेंगे। चलो वंडरफुल, तो फिर मिलते हैं हम, ब्राइट आइडिया। हाँ, हमारी कॉफी खत्म करते हैं। तुम कितनी क्यूरियस हो फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइजिंग। मैं इन्हें सालों से फॉलो कर रही हूँ, ये काफी एमेच्योर है। मुझे वो लेने दो। जिंदगी कभी कभी एक नैरो ब्रिज जैसी होती है, बैलेंस इम्पोर्टेंट है, और जो अनसिन बर्डन होता है कंधों पर, जैसे कि जिम्मेदारियाँ, चिंता, प्रॉब्लम्स, गिल्ट, रिग्रेट, फैसले जो हमें लेने होते हैं। हाँ हाँ, लेकिन आप उस ब्रिज को क्रॉस कर सकते हो अगर आपका दिमाग ओपन माइंडेड है और आपकी स्ट्रॉन्ग विल है। मिस्टर जॉन, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, यही अच्छा रहेगा। सही है, लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। बैलेंस के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आज हम कुछ और करने वाले हैं, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्रॉब्लम्स और वरीज को फोकस करें। हाँ, अब चलना शुरू कीजिए। आपके ऑफिस में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में सोचिए, आपकी प्राइवेट लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में सोचिए। जिंदगी में कई फैसले लेने हैं, कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। ब्रावो, लेकिन प्रॉब्लम्स ने आपको कभी गिरने नहीं दिया। उम्मीद है कि रियल लाइफ में भी ऐसा ही रहे। हम देखेंगे, फिलहाल कुछ डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, अब हम ये करेंगे, आप दोनों ब्रिज के दो एंड्स पर जाइए। हाँ, आप जाइए प्लीज, प्लीज। हाँ मिस्टर नेम, मैं, आप भी प्लीज। ठीक है, मैं ये ले रही हूँ। हाँ प्लीज, और आप वो दूसरी बैलेंस लिख लीजिए। कभी कभी हम जिंदगी में अलग अलग लोगों से मिलते हैं जिनकी अलग प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप दोनों चल के ब्रिज के मिडिल में आएं, ठीक है? हम हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं ना? जरूर जरूर। आपके हाथों में जो स्टिक दी है उससे बैलेंस करना है, इसलिए वो आपके हाथों में है। तुम उसे ठीक से पकड़ो, एक स्टिक को ऐसे पकड़। मैंने सही से पकड़ा है, तुम ध्यान रखो। देखो तुम कहीं गिर ना जाओ। मैं बस गिरने ही वाली थी। जरा धीरे, लाइफ भी कुछ ऐसी ही है पोलन, तुम जब झूलती हो तो मैं झुलाती हूँ। सनीम संभल कर, मैं नीचे गिर जाऊंगी। तुम कर क्या रही हो, मुझे बीच में आने तो दो, पागल हो गई हो क्या तुम? पर देखो तुम ठीक से उस बैलेंस स्टिक को नहीं पकड़ पा रही, तुमने उसे गलत पकड़ा है। देखो उसे हटाओ, तुम थोड़ा खुद को संभालो, तुम बैलेंस आराम से पकड़ो, मैं गिर जाऊंगी, क्या कर रही हो? अच्छा सनीम, क्या किया? अरे देखो क्या कर दिया तुमने, मेरे कपड़े खराब कर दिए। अरे मुझे ठीक आई और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, इसमें गलत क्या है? और तुम तो वो बैलेंस स्टिक भी ठीक से नहीं पकड़ रही थी। नहीं, मैंने सही तरीके से पकड़ा था। देखो नहीं, अपने वहाँ से उठना है और यहाँ आना है। पकड़ना भी नहीं आता। उठो, किस तरह से पकड़ रहे? नहीं नहीं, देखो तुम वो सही छोड़ दो, समझी? ये अब साफ मत करना, ओके? ओके प्लीज, आप शांत हो जाइए, लड़ना नहीं है आपको। सॉरी, अब मुझे नहीं खेलना। ये लड़की पागल है, मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए। मैं जो भी गेम खेलती हूँ उसे इतना सीरियसली क्यों लेती हूँ, समझ नहीं आता। आखिर ये कुछ पॉइंट्स है, एंड ऑफ द लाइफ नहीं। मैं भी ना, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें हारना पसंद नहीं है, बट डियर सनीम, तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए। ये तो फ्लैट फ्लोर पे भी नहीं चलता। अच्छा ठीक है, क्या यहाँ और वॉलंटियर्स हैं? हाँ देखो, मैं इस ब्रिज को कितने अच्छे से पार कर पा रही हूँ, और इसका क्या मतलब है? हाँ, आपको तो बैलेंस स्टिक की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब है अब मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सॉल्व हो गए हैं। सुपर जान, मैं समझ रही हूँ कि पहले जो हालात थे वो अब नहीं रहे। लगता है तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, तुम इतने कैसे बदल सकते हो? हाँ, मैं जिस जान को जानती थी वो जिंदगी को खुशी से जीता था, मौज करता था, अच्छे से रहता था, और अब तो तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारी खुशी जैसे खो सी गई है।
इसलिए मैं कह रही हूँ जान कि मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो और जैक से जाकर मिलो, तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। जैक? हाँ जैक। ओ हाँ, क्या तुम अभी भी उसके टच में हो? मैं बिल्कुल उसके टच में हूँ, बस उस ग्रुप में तुम ही हो जो मिसिंग हो। सुनिए, सॉरी मैं ये ले रही हूँ, आप दोनों बात कर रहे हैं तो नो नीड। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे लगा कि यहाँ एक ओपन बुफेट होगा इसलिए मैं अपनी प्लेट साथ ही लेकर आई। सॉरी मैं एक चेयर ले रही हूँ क्योंकि आप दोनों ही है ना, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं आ गई, डोंट वरी। मुझे बहुत भूख लगी है। ओ, पर मेरे लिए तो खाना बचा ही नहीं है। जान, आपका खाना ले रही हूँ। ओके, ऐसे, थैंक यू सो मच। पोलन, तुम्हारी चिकन का एक पीस ले लेती हूँ। मुझे मीट खाना बहुत पसंद है, चिकन के साथ बहुत अच्छा लगता है ना। सॉरी मैंने आपका कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट कर दिया। जान, यू कैन गो ऑन। नहीं, पोलन, हमारे फ्रेंड्स जो लंदन में, उनकी बात कर रही थी। दरअसल वहाँ हमारे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, इसलिए उनकी बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। तो उनकी बातें मत करो ना। मुझे नमक मिलेगा प्लीज? ये लो डियर सनिन। ओ, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं, आई चेंज माई माइंड। बाय द वे, मुझे मेरी कंट्री बहुत अच्छी लगती है। यहाँ हमेशा ग्रे स्काई और बारिश होती रहती है। मुझे लंदन वंडन बिल्कुल पसंद नहीं, मेरा देश बहुत अच्छा है। हाँ, हमारी कंट्री अच्छी है सनेम, लेकिन जान को वो जगह ज्यादा पसंद है। एक्चुअली मुझे वार्मर क्लाइमेट ज्यादा पसंद है। हाँ, मुझे भी। बाल्कन्स मेरे लिए बहुत स्पेशल है, वहाँ काफी ठंड है पर वहाँ चारों सीजन्स देखने को मिलते हैं तो काफी मजा आता है मुझे। हाँ, मैं जानती हूँ जान कि बाल्कन्स तुम्हारे लिए कितना स्पेशल है, मेरे लिए भी है। दरअसल हमारे वहाँ काफी सारे फ्रेंड्स हैं सनेम, क्यों ना हम एक काम करें जान, जब भी तुम्हारा वहाँ जाना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी साथ चलूंगी। नींबू, नींबू का रस, कोई नींबू का रस कैसे खा सकता है, इस पे थोड़ा सा डाल देती हूँ। ओके, खा लो। जान, तुम्हें हमारा वो दोस्त याद है मार्को? वो अभी मोंटेनेग्रो में है। मुझे लगा वो ज़ाग्रेब में। वो बुधवा में है और वहाँ 250 साल पुराने घर में रह रहा है। वो कितना वंडरफुल है। वो गिर सकता है। स्टोन हाउस, वो आज तक नहीं गिरा, क्या गिरेगा? ये तो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि आई केयर फॉर यू जान। जान, अगर तुमने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली ना तो कंपनी तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस उठाएगी, इसलिए कह रही हूँ मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, वो लोग भी बहुत खुश होंगे। जान, उन्होंने तो तुम्हारे लिए प्री बुकिंग भी कर ली है। उन्हें कहना कि आई एम रियली ग्रेटफुल, मैं जल्द से जल्द इन्फॉर्म करूंगा मेरा डिसीजन जो भी होगा वो। हाँ जरूर। La 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 la